हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब होप ऑल ऑफ यू आर इन गुड हेल्थ माय नेम इज खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल आज से हम एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द एमसीक्यूज ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस ये इस वीडियो सीरीज का लेक्चर नंबर वन रहेगा इस वीडियो सीरीज में हम हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग फिफ्टी फिफ्टी एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज की एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम विथ ओवर क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन सीज एस दैट सीपीयू हैज कंट्रोल यूनिट मेमोरी यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट आपको बो बोलना है आपको बताना है कि सी में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है अगर आपने सी का आर्किटेक्चर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगी दैट सी में कंट्रोल यूनिट तो होता ही होता है इसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट तो होता ही होता है और साथ ही साथ इसमें मेमोरी यूनिट भी होता है और पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे सी चिप में कौन सी मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं किस टाइप की मेमोरी का हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम बोलते हैं रजिस्टर्स फाइन और रजिस्टर्स के बारे में आपको एक पॉइंट ऑलरेडी पता होगी दैट रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट मेमरीज फाइन तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट सी पी यू हैज ऑफ द अब ओके दैट इज कंट्रोल यूनिट मेमरी यूनिट एज वेल एज अर्थमेटिक एन लॉजिकल यूनिट होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के बारे में क्वेश्चन नंबर टू में हमसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस आपको बोलना है दिए गए हुए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है अगर हम ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करेंगे वी ऑलरेडी नो दैट एल सी डी मोनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में फॉल करता है तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता वैसे ही अगर आप देखोगे स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में फॉल करता है और प्लॉटर्स भी आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में फॉल करता है तो इसमें से खाली एक ही आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है एंड दैट इज बार कोर रीडर सो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा यहां पे आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए बार कोर रीडर ठीक है तो होपफुली ये बेसिक सा क्वेश्चन था आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से समझ में आ गई होगी अभी बात करते हैं रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में हमसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमरीज गेट्स रिफ्रेश सेवरल टाइम्स पर सेकेंड आपको बताना है ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसमें हमें का बार बार मेमोरी को रिफ्रेश करना पड़ता है ठीक है ना सो so, मैं डायरेक्टली इसके आंसर पे आ जाता हूं द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज डायनेमिक रैम डायनेमिक रैम को हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बताना है कि इंफॉर्मेशन का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है जब भी हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं नो दैट कंप्यूटर में हम खाली बाइनरी डेटा को रख पाते हैं एंड द डिजिट्स दैट वी यूज इज जीरो एंड वन और इन्हीं एंड वन को हम क्या बोलते हैं बिट्स बोलते हैं सो so, हमारे कंप्यूटर में जो समॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है दैट इज अ बिट सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अब अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे बी क्या है अबाइट बाइट आपको ऑलरेडी पता है ये सिंपली एट बिट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तब वो एक बाइट बन जाती है अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे निबल निबल क्या होती है जब हम चार बिट्स को कंबाइन करते हैं तो वो निबल बन जाता है ओके सिमिलरली ब्लॉग क्या होता है ब्लॉग की डेफिनेशन वेरी करती है फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डेटाबेस में इसकी डेफिनेशन अलग है और ऑपरेटिंग सिस्टम में इसकी डेफिनेशन अलग है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ठीक है तो हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए बिट बिट इज कंसिडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन ठीक है आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर फाइव में हमसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट ऑन VIDEO मोनिटर आपको बताना है कि वीडियो मोनिटर जो होता है यानी कि हमारे जो डिस्प्ले डिवाइसेज होती है इनमें स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट क्या होता है आपने देखा होगा जब भी हम डिस्प्ले डिवाइसेज की बात करते हैं तो वहां पे एक नाम हमारी जुबान पे बार बार आता है एंड दैट इज पिक्सल सो यही क्या होता है स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट होता है किसी भी डिस्प्ले डिवाइस का हमारी जो डिस्प्ले होती है वो पिक्सल्स की बनी हुई होती है पिक्सल्स बहुत ही छोटे छोटे डॉट्स होते हैं ठीक है सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और पिग्जल की अगर देखा जाएगा एक फुल फॉर्म भी है दैट इज इट फॉर पिक्चर एलिमेंट असल में ये पिक्चर एलिमेंट होता है और इसी को अब हमने शॉर्ट में बोला हुआ है पिक्जल ठीक है पिग्जल फाइन ओके तो ये वाला क्वेश्चन भी होपफुली अब आपको अच्छे से याद रहा होगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में विच ऑफ नेचुरल एलिमेंट इज द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप्स आपको बताना है जो हमारे पास कंप्यूटर चिप्स होती है उनमें हम सबसे ज्यादा किस नेचुरल एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं दिए गए हुए ऑप्शन में से तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन हमारी चिप्स जो होती है ना मोस्टली सिलिकॉन की बनी हुई होती है ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाउ मैनी बाइट्स डज फोर किलो बाइट्स रिप्रेजेंट आपको बताना है चार के बीज में कितनी बाइट्स होती है चार के बीज में कितनी बाइट्स होती है तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं हमें इतना पता है कि एक के बी में एक किलो बाइट में वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर होती है ठीक ए के बी में वन था ट्वेंटी फोर बाइट होती है अब हमें चार किलो बाइट का निकालना है तो हम क्या करेंगे इसको फोर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से जब हम 1 के को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम इसको यहां से भी मल्टीप्लाई करेंगे फोर से ठीक है अब फोर वनजार हो गया फोर के बी इज इक्वल टू फोर को जब हम वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर से मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बी फोर थाउजेंड एंड नाइनटी सिक्स सो

आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी लैपटॉप को बाई करते हो या किसी भी मोबाइल फोन को बाई करते हो आप वहां पे उसका प्रोसेसर चेक करते हो और प्रोसेसर की स्पीड वहां पे मेंशन करके रखी गई होती है दैट इज टू गीगा हर्ट्स थ्री गीगा हर्ट्स टू पॉइंट फाइव गीगा हर्ट्स ऐसे करके सो so यही से हमें एक आइडिया मिल जाना चाहिए जो हमारे कंप्यूटर्स की जो स्पीड होती है उसको हम मेजर करते हैं गीगा हर्ट्स में सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन लेकिन जब हम बड़े बड़े कंप्यूटर्स की बात करते हैं सुपर कंप्यूटर्स की बात करते हैं वहां पे हम कंप्यूटर की स्पीड जो है उसको मेजर करते हैं मिप्स में वहां पे हम कंप्यूटर्स की स्पीड को मेजर करते हैं मिप्स में मिप्स स्टैंड फॉर मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ओके ये बड़े कंप्यूटर्स की मैं बात कर रहा हूं लेकिन जो हमारे लोकल कंप्यूटर्स होते हैं ठीक है ना माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें हम कंप्यूटर की स्पीड मेजर करते हैं गीगा हर्ट्स में ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली अस्केंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस आपको बताना है आप देख सकते हो नीचे चारों के चारों ऑप्शन जो है वो स्टोरेज डिवाइस की कैटेगरी में फॉल करते हैं हार्ड डिस्क भी फ्लॉपी भी मैग्नेटिक टेप भी और डीवीडी भी ओके okay. आपको बताना है कि कौन सा इसमें स्टोरेज डिवाइस ऐसा होता है जिसमें हमें डेटा को एक्सेस करना पड़ता है स्वीकेंशल ऑर्डर में यानी कि बाइट बाइट बाय ओके तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज इज ऑप्शन नंबर सी दैट मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक टेप में हमें डेटा को एक्सेस करना पड़ता है स्वीकेंशल ऑर्डर में ठीक okay. तो है में. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वट इज द फुल फम ऑफ यूएस बी सिंपल सा क्वेश्चन है एब्रीवेशन पे बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में तो आपको यही बताना है कि यूएस बी की फुल फॉरम क्या है द फुलॉर्म ऑफ यू एस बी इज यूनिवर्सल सीरियल बस यूनिवर्सल सीरियल बस सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अलेवन के बारे में फिर से एक आ, अच्छा खासा क्वेश्चन है विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ अम ऑफ डेटा स्टोरेज मीडिया आपको बताना है कौन सा ऐसा ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में से है जिसमें हम डेटा जो कि नहीं है डेटा स्टोरेज मीडिया ओके जो डेटा स्टोरेज मीडिया की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है आप देखोगे ऑप्टिकल डिस्क एक डेटा स्टोरेज मीडिया है मैग्नेटिक डिस्क एक डेटा स्टोरेज मीडिया है मैग्नेटिक टेप एक डेटा स्टोरेज मीडिया है वायरल एज डेटा बेस जो है ना ये क्या है ये एक डेटा स्टोरेज मीडिया नहीं है डेटा बेस सिंपली क्या होता है कलेक्शन ऑफ डेटा अब वो कलेक्शन ऑफ डेटा हमें किसी न किसी स्टोरेज मीडिया में सेव करना पड़ता है लेकिन खुद अगर हम देखेंगे खुद डेटा बेस स्टोरेज मीडिया नहीं है सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के बारे में क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द यूज ऑफ अ कंप्यूटर पोर्ट आपको बताना है कंप्यूटर में हम पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे पोर्ट्स गिवन होते हैं आपको बताना है कि वो पोर्ट्स किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ठीक है आपने देखा होगा उसमें यूएसबी पोर्ट होता है उसमें वीजीए पोर्ट होता है उसमें सीरियल पोर्ट होता है उसमें पैरेलल पोर्ट होता है उसमें लाइक like, आपने देखा होगा इथरनेट केबल वाला पोर्ट होता है ठीक है तो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स हमारे कंप्यूटर में होते हैं आपको यही बताना है कि वो पोर्ट्स हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी टू कनेक्ट विथ अदर डिवाइसेस इन इन पोर्ट्स का हम इस्तेमाल करते हैं बाकी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होने के लिए ठीक है <coughs> बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन के बारे में क्वेश्चन नंबर थर्टीन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमरी कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेसड ओके आपको बताना है दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सी मेमोरी ऐसी है जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता तो अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिजाइन दिखाऊंगा ये हमारा सीपीयू ओके okay? बीच में होती है रैम ओके okay? और यहाँ पे लास्ट पे होता है हार्ड डिस्क जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं या डेटा होता है या इंस्ट्रक्शंस होती है वो हार्ड डिस्क में सेव होती है या सिंपली सेकेंडरी मेमोरी में सेव होती है या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव होती है अब अगर सीपीयू को कोई भी डेटा चाहिए होता है तो हम क्या कर सकते हैं हमें हार्ड डिस्क से डेटा को लाना पड़ता है कहाँ पे रैम के अंदर जब डेटा रैम के अंदर आ जाएगा तब जाके सी उस डेटा पे कोई ना कोई प्रोसेसिंग कर सकता है या अगर इंस्ट्रक्शन होंगी तो उन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है सीपीयू डायरेक्टली हार्ड डिस्क के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता ठीक है तो हार्ड डिस्क क्या है एक सेकेंडरी मेमोरी है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है तो यही आपको बताना है दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सी मेमरी ऐसी है जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता सो द ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर सेकेंडरी मेमरी को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता प्राइमरी मेमरी को कर सकता है प्राइमरी मेमरी को ही हम रैम बोलते हैं एंड इसका ही एक टाइप आता है डायनमिक रैम डी रैम का भी ठीक है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीडीयू आपको वी की फुल फॉर्म बतानी है द फुल फॉर्म ऑफ वी इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट विजुअल डिस्प्ले यूनिट सो द ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ठीक है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन के बारे में एक और एब्रीवेशन ली है मैंने यहां पर वट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई पी आर ओ एम ठीक है आपको ई पी आर ओ एम की फुल फॉर्म बतानी है द फुल फॉर्म ऑफ ई ई पी आर ओ एम इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी दैट इज ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी ठीक है तो एज इट इज आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आपको बताना है इसका क्या आएगा? इसका क्या आएगा? एक मेथड हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं रिपीटेड डिवीजन बाय टू लेकिन हम उस वाले मेथड का यहां पे इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लेंगे हो जाता है अब हम शॉर्टकट की बात करते हैं शॉर्टकट में हमें कुछ मैजिक नंबर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है याद रखने की ज़रूरत होती है मैजिक नंबर सिंपली क्या होती है हम वन से स्टार्ट करते हैं और फिर कंटिन्यूसली इस नंबर को डबल डबल करते चले जाएंगे वन उसके बाद टू उसके बाद फोर उसके बाद एट उसके बाद सिक्सटीन उसके बाद थर्टी टू और उसके बाद क्या आ जाएगा सिक्सटी फोर आ जाएगा बट देन आपको नंबर फोर्टी फोर ही आ रहा है ठीक है तो आपको सिक्सटी फोर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिक्सटी फोर ऑलरेडी ज्यादा आ रहा है फोर्टी फोर से ठीक है अब आपको क्या करना है आपको दिए गए नंबर्स में से जो मैंने यहां पे मैजिक नंबर्स लिखे वन फोर वन टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू आपको वहां वहां पे वन डालना है ताकि ओवरऑल जब हम उन्हीं नंबर्स का वापस में वापस से ऐड करेंगे तो नंबर फोर्टी फोर बनना चाहिए देखो अगर मैं थर्टी टू की जगह पे वन डालूंगा ना तो कितने हो गए थर्टी टू हो गए अब हमें नंबर बनाना है क्या सिक्सटीन की जगह पे मैं वन डाल सकता हूं अगर हम इनका ऐड करेंगे बाद, बाद में थर्टी टू एंड सिक्सटीन तो वो फोर्टी एट बन जाता है तो नंबर बड़ा बन जाएगा तो सिक्सटीन की जगह पे मैं क्या डालूंगा वन के बजाय जीरो डालूंगा अब उसके बाद क्या होगा मैं यहाँ पे फिर से क्या करूंगा मैं यहाँ पे एट uh, की जगह पे क्या डाल सकता हूँ वन डाल सकता हूँ क्यों क्योंकि थर्टी टू प्लस एट हो गया फोर्टी फोर्टी और उसके बाद फोर की जगह पे भी मैं क्या डालूंगा वन डालूंगा क्योंकि जब यहाँ तक ऑलरेडी फोर्टी फोर आ चुका था अब हम इसमें फोर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा फोर्टी फोर बन जाएगा बाकी दोनों जगहों पर क्या डालेंगे जीरो ज़ीरो डालेंगे होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ठीक है पहली एग्जाम्पल है कोई मसला नहीं है जब हम नेक्स्ट एमसीक्यू क्यू सीरीज करेंगे उस टाइम पे मैं फिर से इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करूंगा आपको सिंपली मैजिक नंबर्स लेने हैं और बाद में आपको वन डालना है इस तरीके से वहां वहां पे एक उस उस जगह पे आपको वन डालना है ताकि टोटल सम जो है वो गिवन नंबर के बराबर होना चाहिए आप देखोगे मैंने 32 पे वन डाला मैंने 8 पे वन डाला और मैंने 4 पे वन डाला जब हम एनी नंबर्स का ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है 44 बाकी जगहों पे आपको जीरो डालना है समझ में आ रही बात सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी 10110 ठीक है तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फाइल अगर आपने कोई भी फाइल सेलेक्ट करके रखी हुई है अब अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज देखनी होगी ठीक है प्रॉपर्टीज़ में सब कुछ आता है नाम आता है साइज आता है क्रिएशन uh, डेट आता है ठीक है ना वो सारी चीज़ें में चीज़ें उसमें आती हैं अगर आपको वो प्रॉपर्टीज देखनी है किसी भी फाइल की तो आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हो सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी आल्ट प्लस एंटर ठीक है तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन के बारे में क्वेश्चन नंबर एटीन में हमसे पूछा गया है आउटपुट विच कंसिस्ट ऑफ इमेज वीडियो एंड साउंड इज described एज आपको बताना है वो वाले आउटपुट्स जिनमें इमेज का इस्तेमाल होता है जिनमें वीडियोस का इस्तेमाल होता है जिनमें साउंड का इस्तेमाल होता है उस टाइप के आउटपुट को हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टीमीडिया उसको हम बोलते हैं मल्टीमीडिया ठीक है सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन के बारे में क्वेश्चन नंबर नाइन क्या हमसे नाइनटीन क्या पूछ रहा है द कैश मेमोरी या कैश मेमोरी वर्क्स बिटवीन आपको बताना है कैश मेमोरी कहाँ पे होती है ठीक है ना तो मैं यहाँ पे आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा ये हमारा सी है और यहाँ पे हमारे पास है रैम और यहाँ पे हमारे पास है हार्ड डिस्क फाइन जब भी सी को, को कोई भी डेटा चाहिए होता है तो ये डेटा कहाँ से लाता है रैम से लाता है ओके okay. तो रैम का साइज भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ठीक है तो रैम का अगर रैम से अगर हमें किसी भी डेटा को लाना है तो रैम का साइज सपोज अगर हम आठ जी का लेंगे तो सी को हो सकता है आठ जी का डेटा पहले सर्च करना पड़े तो उसके बाद हमने क्या किया हमने बोला कि हम इससे भी छोटी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं करेंगे जिसको हम नाम रखेंगे कैश मेमोरी और एक जो कैश मेमोरी है ना इसको हमने कहाँ पे रखा हुआ होता है सी और रैम के बीच में रखा हुआ होता है सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अब सी जिन पेज की या जिस भी डेटा की डिमांड करेगा हम क्या करेंगे वो डेटा पहले ही रैम से उठाएंगे और कहाँ पे लेके आ जाएंगे कैश मेमोरी के अंदर लेके आ जाएंगे जब सी किसी चीज़ की डिमांड करेगा किसी डेटा की डिमांड करेगा किसी इंस्ट्रक्शन की डिमांड करेगा ये सबसे पहले सर्च मारेगा कहाँ पर कैश मेमोरी के अंदर अगर इसको डेटा मिल गया तो हम बोलेंगे हिट हो गया अगर डेटा इसको नहीं मिला तो हम बोलेंगे मिस हो गया ठीक है इसको हम बोलते हैं हिट मिस रैशू भी ठीक है और हम किस बेसिस पे कैश मेमोरी में डेटा लाते हैं उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस ठीक है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस वाला प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं जिस बेसिस पे जिस बेसिस पे हम डेटा उठाते हैं आ, रैम से और लाते हैं कहाँ पे कैश मेमोरी के अंदर इससे क्या हो जाता है अब आप देखोगे कैश का साइज़ अगर आप देखोगे जनरली पाँच एम बी छः एम बी सात एम बी का होता है और आजकल डिफरेंट लेवल करते हैं ठीक है अब कैश से डेटा को सीपीयू के लिए अदरवाइज की की अगर देखा जाएगा तो कैश मेमोरी अपने आप में ही एक काफी बड़ा टॉपिक है तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना था डेट कैश मेमरी कहां पर वर्क uh, कर रही होती है इट वर्क बिटवीन सीपीयू एंड रैम ठीक है तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी के बारे में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में हमसे पूछा गया है विच डिवाइस कंटेन्स आर टी कैथोड ट्यूब आपको डायरेक्टली एब्रीवेशन भी आ सकती है सीआरटी सी आर टी स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब तो आपने देखा होगा पुराने जमाने में जिस तरीके से आज हम एल सी डी मोनिटर्स का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही पुराने जमाने में सीआरटी मोनिटर्स का इस्तेमाल किया जाता था कैथोड रे ट्यूब वाले मोनिटर्स मोनिटर्स का इस्तेमाल किया जाता था तो मैंने आपको आंसर ऑलरेडी बता दिया सी आर टी किस में हम इस्तेमाल करते थे मोनिटर्स में ठीक है ना सो so, होपफुली ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद रहा होगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन के बारे में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में हमसे पूछा गया है द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय आपको बताना है जो हम आर्किटेक्चर पढ़ते हैं कंप्यूटर्स का कि इनपुट मॉड्यूल होता है आउटपुट मॉड्यूल होता है प्रोसेसिंग वाला मॉड्यूल होता है ठीक है ना सीपीयू होता है और मेमोरी होती है ये आर्किटेक्चर किसने दिया था उस बंदे का नाम था जॉन वॉन न्यूमैन ठीक है ना जॉन वॉन न्यूमन ठीक है जब हम कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पढ़ते हैं उसमें पहले ही टॉपिक मेंशन किया गया होता है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का डिज़ाइन किसने दिया था द नेम ऑफ द पर्सन वाज जॉन वॉन न्यूमैन और आजकल के जमाने में भी जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स हैं वो भी इसी आर्किटेक्चर पे बेस्ड होते हैं इससे पहले भी एक आर के आर्किटेक्चर आया था वजूद में जिसको हम बोलते हैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर बट देन वो अभी ऑब्सोल्यूट है ठीक है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा गया है जी यू आई स्टैंड्स फॉर अगेन वेरी बेसिक एब्रिवेशन इट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ठीक है ना सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फाइन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री के बारे में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी इज कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट पर बिट आपको बताना है कि कौन सी मेमोरी जो है उसका कॉस्ट पर बिट ज्यादा होता है अगर आप देखोगे सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा अगर आप एक जी जीबी हार्ड डिस्क लेके आ जाओगे अगर आप एक जीबी हार्ड डिस्क लेके आ जाओगे हार्ड डिस्क की मैं बात कर रहा हूं यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की भी बात कर रहा हूं ठीक है उसका कॉस्ट कितना होगा जनरली उसका कॉस्ट सपोज मैं मान के चल रफली मैं मान के चल रहा हूं टू उसका कॉस्ट कितना आ रहा है टू अब अगर आप यही वाली एक जी बी रैम लेके आ जाओगे ना उसका कॉस्ट आपको सपोज पड़ेगा फाइव हंड्रेड ठीक है अगर आप यही एक जी बी एक जी बी कैश लेके आ जाओगे जनरली एक जी बी की कैश होती नहीं है बर्दन ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो एक जी बी कैश लाने के लिए आपको हो सकता है दो हजार रुपये खर्चने पड़ेंगे ठीक है मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ओके okay, अदरवाइज एक जी बी कैश का जो कॉस्ट है वो इससे भी काफी ज़्यादा होगा इसी पैटर्न पे अगर मैं एक जी बी तक रजिस्टर्स लाने की कोशिश करूंगा हो सकता है वो मुझे दस हजार में मिल जाए दस हजार में मिल जाए ये मैं बेसिक एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ अब आप देखो सबसे ज़्यादा कॉस्ट किसका आ रहा है एक एक बिट के हिसाब से आप देखोगे जो रजिस्टर्स है ना इसमें हमें एक बिट को खरीदने के लिए ज्यादा कॉस्ट लग रहा है क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपेंसिव कॉस्ट होगा एक जी का उतना ही एक बिट को अक्वायर करने में या लाने में या खरीदने में हमने पैसे ज्यादा खर्च किए होंगे सो सिंपली मेमोरी हायर में आपको याद रखना है फास्टेस्ट मेमोरी जो होती है ना दैट इज रजिस्टर्स रजिस्टर्स की ही कॉस्ट पर बिट क्या होती है सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होती है सेकेंड नंबर पर कैश थर्ड नंबर पर रैम और चौथे नंबर पर फिर हार्ड डिस्क फाइन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर के बारे में वट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैम मेमोरी मेक्स इट नॉट सूटेबल फॉर परमानेंट स्टोरेज आपको बताना है रैम की एक ऐसी खासियत बताइए जिसकी वजह से हम इसको परमानेंट स्टोरेज नहीं बना सकते ठीक है जिसकी वजह से यह परमानेंट स्टोरेज की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है सो द सिंपल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी बिकॉज इट इज वोलाटाइल वो जो रैम होती है हमारी ये सूटेबल नहीं है फॉर परमानेंट स्टोरेज वाई बिकॉज इट इज वोलाटाइल वो मतलब हो गया वंस द कंप्यूटर इज गॉन ठीक है अगर लाइट चली गई तो हमारे रैम का भी डेटा सारा का सारा इरेज हो जाता है ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में व्हाट इज दैट व्हाट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कोऑर्डिनेट्स ऑल द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर आपको बताना है कंप्यूटर में जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट करवाना या काम करवाना किस यूनिट का काम होता है द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ कंट्रोल यूनिट ठीक है ना कोऑर्डिनेशन वाला काम सारा का सारा कौन हैंडल करता है कंट्रोल यूनिट कब किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होना है ये सारी चीज़ें कौन बताता है कंट्रोल यूनिट बताता है और यही क्या जनरेट करता है टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स ठीक है तो चलिए आज के लेक्चर में हमने 25 फाइव ऑब्जेक्टिवस देखे होपफुली आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ गुड बाय